अगल बगल खेतों में खेल रहे छोटे छोटे बच्चों को साधारण प्रणाम। बढ़िया बढ़िया। एकमात्र यहाँ एक महिला बैठी है, उन्हें असाधारण प्रणाम। उन बच्चों को पैदा करने वाले माँ बाप को भी प्रणाम कर यार। बढ़िया। छोटे छोटे बच्चों को साधारण प्रणाम। एक महिला बैठी उन्हें असाधारण प्रणाम। आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को विशेष प्रणाम। इनमें कोई ज्यादा बुजुर्ग हो तो उन्हें अंतिम प्रणाम। राजनीति से कैसे कैसे घरों में असर पड़ता है, राजनीति का असर कैसे कैसे घरों में भी पड़ता है। एक दो लाइन की कविता सुनिए कि कल ही मेरी पत्नी ने दिया एक नया जख्म। कल ही मेरी पत्नी ने दिया एक नया जख्म। मैंने 500 का छुट्टा मांगा तो उसने 130 रुपया दिया। मैंने कहा 370, बोली 370 खत्म। देखिए छोटी छोटी बातों का कितना असर पड़ता है। अरे मैंने रमेश भाई ने माल्यार्पण किया, माला पहनाया, माला पहने था मैं। एक सज्जन ने फोटो खींच लिया, फोटो हमारे पे भेज दिया, हमारे घर गया, घर भतीजे ने पूछा ये क्या है, ताऊ जी ये क्या है। हमने कहा बेटा माल्यार्पण है, रमेश भाई ने माल्यार्पण किया था। क्या इसी को माल्यार्पण कहते हैं? हम ना कहा इसी को माल्यार्पण कहते हैं। क्या सच बताइए इसी को माल्यार्पण कहते हैं? हमने कहा हाँ बेटा इसी को माल्यार्पण कहते हैं। क्या गलत? हमने कहा गलत गलत क्या है? क्या इसको माल्यार्पण नहीं कहते? हमने कहा तब बताओ किसे कहते हैं? क्या हमारे देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं? हमने कहा ठीक है। क्या उसमें से 120 करोड़ बहुत गरीब हैं? हमने कहा ठीक है। क्या 120 करोड़ लोगों की गाढ़ी कमाई को जब लोग माल्या को अर्पण कर देते हैं तो उसे माल्यार्पण कहते हैं? कविता कहाँ कहाँ से हाथ से हम लोग पैदा करते हैं आपको बताऊं। बगल में रामनगर है, रामनगर में दुखु सुखु 40 वर्ष से रामलीला गा रहे हैं। मंगल भवन या मंगल हारी 40 वर्ष से रामलीला गा रहे। बाबू हमारे कलम कक्षा 9 में पढ़ते हैं, चल रामलीला दिखाए। हम गली रामलीला देखे, रामलीला के लगे वही दुखु सुखु लगे बैठा रहे। कहीं यही बैठा ले, कहीं जाए मत, हम अभी आवती अपने पता नहीं कहाँ घूमत रहना। हमें नहीं मालूम कहाँ घूमत रहना, आप जान दूंगा कि कहाँ घूमत हुई। तो हमें बैठा के चल गए हम दुखु सुखु का अपन। वो एक रामलीला चल धनुष टूट गए लल, और उसी धनुष टूटने वाला जो है प्रसंग चल रहा था। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा वो ये को एक दास चल रहा था आराम से। हम अपन कान लगा के सुनो तो लिए वही में दुखु और सुखु आपस में बतियावलन भी इस जिंदगी में पहली बार निकली। तो दुखु का तो हाँ आठ लोग अगर रामायण गाए एक लोग बातचीत भी कर सकते हैं। ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अगर हाथ से लगे तो आप तालियां बजा के मुझे स्वागत करिएगा। तो दुखु का तो ने हा माची सहाओ पर बीड़ी नाही। हम कह रहे तो तुलसीदास कहीं लिख लेना रामायण में, हम पढ़ ले तो उसमें बीड़ी रह निकल बीड़ी कहाँ से आगे। तो दुखु कहना सुखु ठीक से सुनना नहीं, दुखु फिर कहते नहीं। जब दोबारा कहलन नहीं सुनलन सुखु तो दुखु को बहुत दुख भेल। तो ओके गुस्सा के कहलन जान बुझ के सुखु भी अपन मुड़ी के ले लन। तो फिर जोर से कहलन माची सहा पर बीड़ी नहीं देखा तो हा सर बोलत ना। धीरे से उतरे दोनों लोग किनारे गए, दुफुक बीड़ी पी के फिर चले आए। कहाँ कहाँ कैसे कैसे हाथ से मिलता है दोस्तों। और रमेश गया मेरे घर, क्या ये मेरा शिष्य है, पहला कवि सम्मेलन मैंने इनको पढ़ाया है बनारस में। तब से लगातार बनारस जाता है, और बनारस ही नहीं मिर्जापुर की धरती का नाम अब मध्य प्रदेश गुजरात हर जगह जाके रोशन कर रहा है। और मैं मेरा स्नेह है इसके साथ ही है। मेरे घर आया, क्या गुरु जी कवि सम्मेलन में चलना है, आप हर साल आते हैं। हमने कहा मैं चलूंगा। तो हम कहे ठीक है तुम चाय पियो, मैं ऊपर से आ रहा हूँ। चाय पियो तो कहे यहाँ आइए। हमने क्या है कहीं तीन ठो चश्मा कहाँ रखे हैं? अभी पूछा तीन ठो चश्मा कहाँ रखे हैं? तो ये भी हाथ से कभी मैं भी हाथ कहूँ, मैं तो हाथ से बताऊंगा अच्छा लगेगा। कविता मैं आपको सुनाऊं सुनेगा। मित्र बोले कि ये कैसा घर में तीन है चश्मा। मित्र बोले कि ये कैसा घर में तीन है चश्मा। मैं बोला दूर का है एक, एक नजदीक का चश्मा, और ये तीसरा वाला लगा के देखता हूँ मैं कौन है दूर वाला कौन है नजदीक। देखिए छोटी छोटी बात
बातों में कितना हास्य छिपा रहता है। कक्षा छह में मैं पढ़ रहा था, उस दिन गुरुजी शनिवार का दिन था और मैं स्कूल नहीं गया, उस दिन मैं गुड्डी उड़ाने लगा, गुड्डी उड़ाने लगा तो गुरुजी उस दिन ग्रामर पढ़ाया, ग्रामर में स्वर व्यंजन पढ़ाया, स्वर व्यंजन पढ़ाया खूब अच्छा था पढ़ाया, लोगों को याद भी हो गया, मैं नहीं गया था, सोमवार को गया था पूजा में, मैंने शनिवार को स्वर व्यंजन बताया था, बताओ तो मैं सबसे आगे बैठा था, खड़े हो जाओ, मैं खड़े हो गया, कह स्वर व्यंजन किसे कहते हैं बताओ, मैं पीछे वाले को ठेका कि क्या बात है, क्या गुड्डी उड़ावा शनिचर के पढ़ो ले लो गुरु जी, तब मैं कहा बताओ, मैं खड़े हो गया, मैं जुआ लगा के बताया, जो जुआ लगा के बताया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी हमको आशीर्वाद दीजिएगा, सुनेगा। कक्षा में गुरु बोले बहुत तू मुस्कुराता है, कक्षा में गुरु बोले बहुत ही तू इतराता है, किसे कहते हैं स्वर व्यंजन बताओ तुमको आता है, कहा मैंने खड़े होकर मैं देता हूँ सही उत्तर, स्वर मुंह से निकलता है व्यंजन मुंह में जाता है। मैं गाड़ी लेके आ रहा था, रमेश भाई ने फोन किया कि भैया जल्दी आ जाए, 11 बजे तक कभी सम्मेलन जबकि शुरू हुआ है 2 बजे सम्मेलन, सुनिएगा 11 बजे हमको बुला लिया, हम लोग जल्दी जल्दी भागे भागे चले आए और लंका पर आगे आगे थाने में गाड़ी पकड़ा गई। हमें क्या याद, बड़ा बुरा हुआ, अब जो है हेलमेट भी नहीं है, अब तो चलान तगड़ा होगा, तो उन्होंने पूछा सारा दर्शन की क्या है, हम कहा कि जो हम लोग कवि हैं, जरा रमेश के कार्यक्रम में जा रहे हैं, जाने दीजिए कभी कभी कवियों को छोड़ दिया करिए, क्या तुम लोग कवि हो, हमने कहा कवि है, क्या सच में कवि हो, मैं कैसे कहे हाँ कवि है, क्या अच्छा थाने के खिलाफ चाल नहीं लिख के दिखाओ, अगर मेरे चेहरे पर हंसी फंसी समझ लो मैं तुमको हाथ से कोई मार लूंगा और तुम्हारी गाड़ी छोड़ दूंगा। मैंने कहा आप उल्लू बना रहे हैं, अभी मैं थाने के खिलाफ चाल नहीं लिखूंगा, अभी तो गाड़ी बन गई, आप चाल लेंगे हमको भी बंद कर देंगे, तो रमेश का कोई समझ गया, क्या नहीं मैं मर्द की जबान, अगर तुम बताओ चार लाइन केवल थाने के खिलाफ लिख के दिखाओ, अगर मेरे चेहरे पर हंसी फंसी तुम्हारी गाड़ी छूटी। मैं थाने में कविता लिख के आया हूँ दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा आप भी, आपको अच्छा लगेगा तो सब कुछ इधर दीजिएगा, जो आओ कुछ दिन आगे तो उधर ही दीजिएगा, सुनिएगा। सिपाही था, मैं सोचा नहीं कि थाना में क्या लिखे कैसे लिखे, हमने देखा ऊपर लिखा है थाना, हमें कहा लगता है कुल करामात इसी में है, उसमें दो अक्षर है, एक तो है था और एक तो है ना, कुल करामात इसी में मैं सोच लिया और उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। सिपाही थाना में झूठे पकड़ मन माना करते हैं, दरोगा थाना, दरोगा का मतलब होता है द, चाहे रोगे चाहे गागे, दरोगा थाना में झूठे पकड़ मन माना करते हैं, घूस न दे तो केस में था कह के फसाना करते हैं, जो मांगे दे दिया तो ना कह के रवाना करते हैं, मिलाकर था और ना कोई समझिए थाना कहते, क्या बात है, बहुत खूब खूब। कहाँ से हास्य उठता है, कहाँ से हास्य मिलता है दोस्तों, हम लोग कहाँ संयोजन करना पड़ता है, बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने पत्नी से कहा कि मुझे पड़ोसन बहुत अच्छी लगती है, वो घूर के देखने लगी, हमने कहा जब जब निकलती है, जब जब पड़ोसन आती है तब तक मैं देखता हूँ, तो क्या यही तो कमो है आपका, वो क्या करेंगे, हमने कहा उसमें जानती नहीं है, उसमें हमारे सुनील दत्त थे, उसमें किशोर कुमार थे, उसमें महमूद थे, सारा बानो भी थी, तब उसकी बुद्धि हरी हुई, वो उस पड़ोसन की बात कर रहे हैं, घर में भी बड़ी बड़ी विधाएं हो जाती है दोस्तों। आइए हम आपको एक अभी तक मंच पर आपने शब्दों के माध्यम से बड़ी बड़ी कविताएं सुनी, मैंने सोचा यही बैठे बैठे मंच पर कि शब्दों की कविताएं बहुत ही कुछ, एक दो तीन चार पांच भी है, जरा इनसे भी कुछ कविता निकलवाया जाए, तो मैंने इनसे कविता निकलवाने की कोशिश की, जब मैंने जोड़ा घटाया तो मैंने सोचा कि इनसे एकता की बात निकल सकती है, तो एकता की बात जो निकली वो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, अगर ये कविता आपको अच्छी लगेगी तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। कि नौ ने आठ को ही थप्पड़ मारा, क्या बात, सुनेगा अंकों से एकता, नौ ने आठ को ही थप्पड़ मारा, आठ ने पूछा क्यों मारा, नौ ने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं तगड़ा हूं इसलिए मारा, तो आठ ने उलट कर सात को एक थप्पड़ मारा, सात ने रोते हुए पूछा क्यों मारा भाया, तो आठ ने नौ वाला वाक्य दोहराया, मैं तुमसे बड़ा हूं तगड़ा हूं इसलिए मारा, तो सात ने छह को, छह ने पांच को, पांच ने चार को, यही देश में हो रहा है, चार ने तीन को, तीन ने दो को, दो ने जब एक को थप्पड़ मारा, एक बिल्कुल उदास रह गया बेचारा, बिल्कुल बिल्कुल उदास रह गया बेचारा, क्योंकि उसके बाईं तरफ जीरो था और दाहिनी तरफ नौ हीरो था, क्या बात है, बहुत बहुत सब
सबसे छोटा अंक होता है, एक सबसे बड़ा अंक होता है, 9 और 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, सुनिएगा। 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने जब 1 को थप्पड़ मारा, एक बिल्कुल उदास रह गया बेचारा, क्योंकि उसके बाईं तरफ 0 था और दाहिनी तरफ 9 हीरो था, लेकिन वह एक भैया की तरह नहीं घबराया, उसने धीरे से जाके 0 को गले लगाया, वह हो गए 10, मत पूछिए बस। क्या बात है, वह हो गए 10, मत पूछिए बस। अब 10 चला 9 के पास, मिल्लत सार 1 और 0 10, 10 चला 9 के पास, 9 देखते ही हो गया उदास, वो धड़ाम से गिर पड़ा पके आम की तरह चुप पड़ा। लेकिन मिल्लत सार 1 और 0 ने बेहोश 9 के पास जाकर उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाया, उसे समझाया, तू डर नहीं भाया, हम तुम्हें मारने नहीं बल्कि ये समझाने आए हैं, हम 0 मिल गए तुमसे, 1 बड़े 10 हो गए, तुम भी अगर हमसे मिल जाओ तो हम 109 हो जाएंगे, 10 से 11 गुने बड़े हो जाएंगे, 10 से 11 गुने बड़े हो जाएंगे, 10 से 11 गुने बड़े हो जाएंगे। ये है हास्य, ये है सोचने की कविता। आइए यार छोटा सा आपको एक व्यंग सुनाते हैं, हास्य और व्यंग का ये कवि सम्मेलन है। व्यंग किसे कहते हैं, 4 पंक्तियों में अगर व्यंग आप तक पहुंचेगी तो आप लोगों को आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा कि व्यंग 4 पंक्तियों में व्यंग किसे कहते हैं। दिल्ली में आधी रात को सूनी सड़क पर एक युवा कुतिया जा रही थी। क्या बात है भाई, वाह। दिल्ली में आधी रात को सूनी सड़क पर एक युवा कुतिया जा रही थी, सामने 5-6 कुत्तों को देखकर बेचारी डरी सहमी घबरा रही थी। उन कुत्तों के मुखिया ने कहा, अरे जाइए जाइए जाइए, डरिए नहीं, हम लोग कुत्ते हैं इंसान नहीं, हम लोग कुत्ते हैं इंसान नहीं, हम लोग कुत्ते हैं इंसान नहीं। आइए अंतिम कविता सुनाकर मैं भी अपना आसन ग्रहण कर रहा हूँ। लगभग यहाँ पर 6-7 कवि वीर गति को प्राप्त हो गए। बढ़िया है, कुत्ते की कविता पर जोरदार ताली बजाइए आप लोग। हमारे सगे भाई हैं। आइए कविता सुनाता हूँ, जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ याद करिएगा कि हिंदुस्तान में क्या ऐसी कविताएं भी लिखी जाती है क्या, सुनिएगा। एक अक्षर रखे, एक सिर्फ एक अक्षर, सिर्फ एक अक्षर, उसका नाम है र। यही एक अक्षर ऐसा है जब आप बोलते हैं तो 50 बार जब आपकी जीभ कंपन करती है तभी र निकलता है, इसलिए राम से बड़ा राम का नाम होता है दोस्तों। सुनिएगा एक अक्षर की कविता है, अक्षर है र। और त्रेता द्वापर कलयुग, जितने भी त्रेता के प्रथम राजा राजा रघु और आपके राजा नरेंद्र मोहन तक सभी लोगों में र आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, ये मैं आपको कविता में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिएगा कि कविता कैसे गढ़ी जाती है, कैसा कविता कैसे पढ़ी जाती है और कविता की रचना कितना मर्म सह करके लिखी जाती है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। 4 मिनट 5 मिनट की कविता है, जिसके पूरे नाम में पहली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमेशा परेशान करेंगे। पहली लाइन आप सुनिएगा तो पूरी कविता का अर्थ निकल जाएगा। जिसके पूरे नाम में, पूरे नाम में, पूरे नाम में र अक्षर नहीं होगा, बद्री विशाल का दावा है, वो भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं होगा। क्या बात है, ये मैं करीब 21-22 साल हो गया कविता सुना दी, 22 साल से लगातार सुना रहा हूँ और ये कविता आज तक जीवित है। जिसके पूरे नाम में र अक्षर नहीं होगा, यह मेरा दावा है, बद्री विशाल का दावा है, वो भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं होगा। र अक्षर ने आश्चर्यजनक रास रचाया है, नेहरू से नरेंद्र तक सब में आया है, लाल बहादुर, इंदिरा, चरण, विश्वनाथ प्रताप, आधा या पूरा र सब में देख ले आप। क्या बात है, चंद्रशेखर, गुलजारी, गुजराल हो या राजीव मुराद, राव बिहारी हरदन तक में है र बरकरार, राव बिहारी हरदन तक में है र बरकरार। अब चूंकि संजय सोनिया, मेनका मुलायम, ज्योति बसु, अमिताभ, माया, कल्याण आदि में र नहीं आ सका। क्या बात है, संजय सोनिया, मेनका मुलायम, ज्योति बसु, अमिताभ, माया, कल्याण आदि में र नहीं आ सका, इसीलिए कुर्सी के इर्द गिर्द होते हुए भी इनमें से कोई कुर्सी नहीं पा सका। राहुल, प्रियंका, वरुण, रामदेव यदि आ जाएंगे कविता के अनुसार कुर्सी पा जाएंगे। लाइन में है राम राज, अमर, कृष्ण, पवार, लालू, कांति राम भी इसीलिए उछल रहे थे यार, क्योंकि बिना र के चल नहीं सकती भारत की सरकार। अब मैं आपको बताता हूँ पदे की एक बात दिखाता हूँ, त्रेता युग में र का करामात, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी कि राजा रघु से हुई रघुवंश की शुरुआत, उनके लड़के पोते, और जो दिलीप में र नहीं था इसीलिए वो
साधु संत महात्मा हो गए, बिसर गए, उनके लड़के दशरथ में 200 के बाद रहा था, इसीलिए वो चक्रवर्ती राजा हुए, लेकिन 200 के बाद रह होने के कारण बेचारे शोक में मर गए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, रह अगर आपके नाम में पहले आता है आप प्रधानमंत्री बनना नहीं भी चाहते, कालर पकड़ के प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जैसे राजीव गांधी, और आपके नाम में र नहीं आता है लेकिन जबरी आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन आप हवाई जहाज में रह जाते हैं, जैसे संजय गांधी। क्या बात, मैं र की बात कर रहा हूँ, सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ, पते की एक बात दिखाता हूँ। त्रेता युग में र का कलाम कुल पर बचन जाए, यानी कि राजा रघु से हुई, रघुवंश की शुरुआत, उनके लड़के पोते आज दिलीप में र नहीं था इसीलिए वो साधु संत महात्मा हो गए, बिसर गए, उनके लड़के दशरथ में 200 के बाद रहा था इसीलिए वो चक्रवर्ती राजा हुए, दशरथ पुत्र राम में र के साथ अभी था इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा हुए, भरत में भ के बाद र था इसीलिए राम की अनुपस्थिति में राजा हुए। क्या बात है, लक्ष्मण में देख लीजिए, चूंकि र नहीं आया जीवन भर मैंने उनको भैया भाभी की सेवा करते ही पाया, शत्रुघ्न में 100 के बाद रहा था बेचारे का नंबर ही नहीं आया, रह होने के कारण कमजोर सुग्रीव जीता और बलिष्ठ बाली हारा, सिर्फ रह होने के कारण कमजोर सुग्रीव जीता और बलिष्ठ बाली हारा, सिर्फ रह न होने के कारण विभीषण के पीठ पे रावण ने 2 लात मारा। अब चूंकि राम पुत्र लोक उसमें रह नहीं था व्याप, इसलिए त्रेता युग की लीला यहीं से हो जाती है। अब आप आ जाइए जनाब मेरे साथ द्वापर में, कृष्ण कंस युद्ध में भी जीत के पीछे रह का ही था। आप अपने घर में जाइएगा, आईने के सामने खड़े हो जाइएगा, सिर्फ कृष्ण में से रह निकाल करके कृष्ण कहिएगा, आपका मुंह इतना खराब लगेगा कि अपने मुंह में देखना पसंद नहीं करेंगे, जाके खड़े होकर करके देख लीजिएगा, इसीलिए रह का महत्व है। अब आप आ जाइए जनाब मेरे साथ द्वापर में, कृष्ण कंस युद्ध में भी जीत के पीछे रह का ही था, युधिष्ठिर के अंत में रहा था, बड़े भाई होने के कारण राजा हुए, अर्जुन में अ के बाद ही रहा था, नंबर में थे लेकिन राजा नहीं हुए, भीम में भी देख लीजिए रह नहीं आया, जीवन भर मैंने उनको लड़ते भिड़ते खाते खिलाते ही पाया, नकुल सहदेव में भी रह नहीं था इसलिए बेचारों का भी नंबर नहीं आया, रह न होने के कारण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सातवें द्वार पर मारा गया, रह होने के कारण कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न से संभरासुर का वध कराया गया, उनके बाद परीक्षित के बाद 2-3 पीढ़ी में रह नहीं था व्याप, इसलिए द्वापर की लीला में यही हो जाती है। इसीलिए कहता हूँ कि संजय सोनिया मेनका मुलायम ज्योति बसु अमिताभ माया कल्याण आदि में रह नहीं आ सका, इसलिए कुर्सी के इर्द गिर्द होते हुए भी इनमें से कोई कुर्सी नहीं पा सका, राहुल प्रियंका वरुण रामदेव यदि आ जाएंगे कविता के अनुसार कुर्सी पा जाएंगे। लाइन में है रामराज अमर किशोर पवार लालू कांति राम भी इसीलिए उछल रहे थे यार, बिना रह के चल नहीं सकती भारत की सरकार, इसीलिए रह अक्षर से है मुझे बेहद प्यार।